दोस्तों नमस्कार। एक बहुत नए टास्क नए विजन के साथ आज मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ। अक्सर मैं सीएनसी की बात करता हूँ, आईआईटी पीएमटी की बात करता हूँ, आज थोड़ी हटके बात करके आपके बीच आ रहा हूँ। आपने पिछले 2-3 दिन में मेरे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देखा होगा कि कल आने वाले संडे 29 अक्टूबर शाम 4:30 बजे हम इस वर्ष आरएएस 2016 में जो प्रतिभागी चयनित हुए हैं उनका एक सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं। ये बड़ा टास्क था, बहुत से दोस्तों की राय थी, अपनों की राय थी, कुछ हमारे सीएससी के सिलेक्टेड बच्चों की राय थी कि सर हमें एक इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए ताकि एक समाज में मैसेज जाए। और इस प्रोग्राम को करने के पीछे सिंपल मकसद है, हम अमिताभ बच्चन को सभी लोग टीवी में देखते हैं, रोंगटे खड़े नहीं होते, पर दोस्तों कल्पना करो कि आपके घर में अमिताभ बच्चन आ जाएं तो हमारी स्थिति क्या हो। मैं आरएस 2016 में चयनित विद्यार्थियों से इतना कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम में जब आएंगे आपके सामने बैठा लगभग 10,000 सीएनसी का बच्चा आपको देखेगा, आप उसके लिए भाई अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, क्योंकि आपके उसके लिए तो आप ही प्रेरणा स्रोत है। वो बच्चा आईआईटी पीएमटी की तैयारी के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने पालने में थोड़ा सा और अग्रसर होगा। दोस्तों मैं मेरे सभी अपनों से एक अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान से जो भी विद्यार्थी कैंडिडेट आरएस 2016 में सिलेक्ट हुए फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुंचने का। फिर भी मेरे अपनों से निवेदन है, प्लीज आप मेरी तरफ से उनको आमंत्रित करें, और ऐसे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे आपसे गुजारिश है कि आप आए ताकि हम आपका सम्मान करके अपने आप को गौरव महसूस कर सकें। इस कार्यक्रम का स्थान सीएलसी सीकर विजय ग्राउंड रहेगा और इस प्रोग्राम में आपको सम्मानित करने के लिए भी हमने गेस्टों का भी बहुत अलग चुनाव किया है, सीकर के जिला कलेक्टर सर और सीकर के एसपी साहब को बुलाया है ताकि उन्हीं लोगों से आपका सम्मान भी करवाया जाए जो आप ही के फील्ड में सफल है और एक अच्छे पायदान पे अच्छे मुकाम पे जो ऑलरेडी है। और आप लोग अपने संघर्ष की कहानी भी आप मेरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहें। मेरे सीएलसी के बच्चे आपको सुनने को दलाइत हैं, उत्साहित हैं, बहुत चार में है कि कब वो सब सफल लोग आए और हम उनको सुने। और मुझे एक बात करके और भी खुशी है कि इस लिस्ट में अब तक जो मुझे पता लगा 10 हमारे भूतपूर्व सीएलसी अक्स सीएलसी भी इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, कुछ बच्चे इस फंक्शन में कल नहीं आ पाएंगे, कुछ विद्यार्थी नहीं आ पाएंगे, एक टेक्निकल दिक्कत है। 30 तारीख से आईएएस मेंस के एग्जाम्स हैं, उन सबको मेरा आईएएस मेंस की शुभकामनाएं। जो आईएएस मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। और बाकी दोस्तों, जो आपका आईएएस मेंस का एग्जाम नहीं है और छोटे मोटे कुछ इवेंट्स हैं तो प्लीज सीएलसी के बच्चों के लिए आप उसको थोड़ा सा इग्नोर तो नहीं कहूंगा, सीएलसी के 10,000 बच्चों को आप फर्स्ट प्राइज भी देके जब सीकर पधारे। एक अपील और भी करना चाहूंगा कि आप अपने स्ट्रगल की कहानी जरूर कुछ अपने हमारे बच्चों को बता के जाएं, उस मानसिकता के साथ आ पाएं। लोग आपको सुनने को आतुर हैं और सीएलसी आपका इंतजार कर रही है। 29 अक्टूबर शाम 4:30 बजे सीएलसी विजय ग्राउंड आरएस 2016 में चयनित सभी विद्यार्थी, हाँ एक अपील करना चाहूंगा, आप अपने फैमिली मेंबर को साथ लेके आएंगे, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, हम उनका सम्मान भी करेंगे आपके साथ, क्योंकि वो हैं तब हम हैं, वो हमारे रूट्स हैं। परिवार के जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उनको आप लेके आएंगे जो बहुत ठीक लगेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से फिर से अपील करना चाहता हूँ, सभी आरएस 2016 के सफल विद्यार्थी साथ आमंत्रित हैं और मेरे अपने कुछ लोग इसको देख रहे हैं जो खुद सेलेक्ट नहीं है, पर उनके जानकार समाज में कोई भी लड़का लड़की कोई भी प्रतिभागी चयनित है तो आप प्लीज उनको लेके आए, आपके साथ हैं, आपके इंतजार में पूरी पूरा सीएलसी टीम, पूरा सीएलसी परिवार। थैंक यू, जय हिंद, जय सीएलसी।